इरफान और आख्या भी है सर जी अंदर है अपनी क्लास सर शुरू लाई नहीं क्लास उसलै क्लास गया कि मुड़ी आया जिसलै ते गुलाम बाह सोना चाहिए इसने कुड़े पर धरिया ते आप उसे छुट्टी की चया वा आंदा है घर इरफान गी आखिया सर जी इसरा है निका रोना है अंदर है जरा निके कुलने रहने ने फिर घर आंदा जिसलै उन्ना कुड़ियां चाहिए आंदा इस बच्चे मुंडी नहीं सामना सर ये सुबह स्कूल गया तो दो मास्टर थे एक इरफान और एक गुलाम बस उसने बताया ये कि जब बच्चा एक गया अंदर मास्टर इरफान के पास तो उसने बोला बच्चे ने बोला या मास्टर साहब अंदर बच्चा एक बेहोश पड़ा है रो रहा है तो मास्टर ने बोला बच्चे रोते रहते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं उसको रहने दो अभी तो बच्चा वापस चला गया मास्टर गुलामबास ने उठाया और बाहर आके दूसरे बच्चे को दिया बेहोश पड़ा था तो इसको लेके चले जाओ घर मास्टर गुलामबास के पास मेरा फोन नंबर था उसने फोन भी नहीं किया मेरे को एप्लीकेशन दूंगा टीएम साहब को दिया बच्चे की आप कंडीशन देख लो कैसे कैसे पड़ा है बेहोश पड़ा है वो खड़ा नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता उसका बस एक बच्चा जो है जिसकी एज अबाउट 6 ईयर है और नेम जो है आइडेंटिफाइड मोहम्मद अमर हुआ है लेफ्ट साइड ऑफ नेक पर ब्लंट ट्रामा साइड है तो बच्चा कॉन्शियस है कोई हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग वगैरह नहीं है कॉन्शियस है अंडर ट्रीटमेंट है और जो उसका फादर है वो कहता है कि हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट है तो फर्दर मेडिकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या असॉल्ट है किसने किया है ट्रीटमेंट और स्टेबल है। एक बच्चे को यहाँ पे कोई मेरे हिसाब से कुछ 7-8 साल का एक बच्चा था यहाँ से उठा के लाया और उनके पेरेंट्स ने कंप्लेंट की है कि इसको टीचर ने मारा हुआ है और बीच में सुनने में ये आया कहीं बच्चे आपस में लड़ रहे थे टीचर ने बच्चे को मारा है और काफी बेरहमी से मारा है कहीं बच्चे को क्योंकि बच्चा अपनी ये नेक को भी बैलेंस नहीं कर पा रहा था। इस जिम्मन में हमने बच्चे को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है और एप्लीकेशन जो उन्होंने दी थी हमें पेरेंट्स ने तो वो एप्लीकेशन हमने SHO को मार्क कर दिया है और विद डायरेक्शंस के इमीडिएटली एक FIR लॉन्च की जाए और उस टीचर को अरेस्ट किया जाए कि जो इस तरह की लापरवाही करते हैं और इस तरह के व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो बच्चों के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं बाज़ाब्ता कि किसी भी बच्चे के साथ तशद्दुद मारपीट स्कूल में किसी भी किस्म की ज़्यादती जो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये टोटल चीज़ें मने हैं। तो इस ज़िम्मे में मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ बाकी जो लोग हैं उनसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि बच्चों का अपना भी ध्यान रखें और ये टीचर्स को भी मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि बच्चे जो हैं सबके बराबर हैं बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों को अपने बच्चों को कहीं मरवाने के लिए या बच्चों की पिटाई करवाने के लिए भेजते हैं। बच्चा है गलती करेगा तो बच्चे से जो गलती हुई तो वो इतने ही वो मायने नहीं रखती है बच्चों के समझाया जा सकता है।